नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते गणेश सर, हिंदी सत्र में आपका स्वागत है। नमस्ते कुमार भैया। तो नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। उस समय भैया बता रहे थे कि जैसे शरीर छोड़ने के बारे में बात हो रही थी ना, तो वो चीज मुझे बहुत स्ट्राइक की भैया कि वाकई में बात तो सच है, सबको पता भी है और सब इसी भागदौड़ में चलते रहते हैं अपनी जिंदगी में, और जीवन का असली महत्व तो क्या है कोई सोचता ही नहीं है उस बारे में। बट भैया मेरा क्वेश्चन ये बन रहा था कि जैसे जो बड़े बड़े संत है या महात्मा है, वो तो अपने बेस पे, अपने सेल्फ के बेस पे डिसाइड कर पाते हैं कि उनको कल अपने शरीर को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो जैसे हम बोलते हैं कि मृत्यु तो किसी के वश में नहीं है, तो फिर वो कैसे, और दूसरा जो आम आदमी है जिसके साथ कभी भी कुछ भी घटित हो रहा है, तो उस बेस पे वो कैसे इस चीज को समझ पाए कि उसको कब शरीर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर ये क्लैरिटी हो जाए तो इंसान फिर ये भागदौड़ तो खत्म ही जाएगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना लक्ष्य तय करेगा और फिर लक्ष्य तय करने के बाद उसको शॉर्ट आउट करेगा। तो यही मेरा प्रश्न था भैया, यही पूछना चाह रही थी मैं। धन्यवाद। देखिए, अभी भी छोड़ते हैं तो हम निर्णय पूर्वक ही हैं शरीर को। जी भैया, अभी भी हम निर्णय पूर्वक ही चला रहे हैं, निर्णय पूर्वक ही छोड़ रहे हैं, लेकिन हमको उसका होश नहीं। तो सिर्फ साधु महात्मा ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी वही कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, आप अपने को देखिए, एक प्रयोग करिए। आप शरीर से कहिए कि सांस ना ले, बस इतना करके देखिए 5 मिनट क्या होता जी भैया, तो जैसे अगर हम खुद से अगर डिसाइड करेंगे तो उससे शरीर में तो बहुत दिक्कत होगी ना। जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि हमें शरीर छोड़ना है और तब हम अगर सांस नहीं लेते या हम कुछ इस तरह से, तो वो तो एक सुसाइडल हो गया ना, कि हम कुछ दिक्कत किसको होगी? उसी दिक्कत आपको होगी कि शरीर को होगी? तो शरीर को होगी भैया, ये शरीर तो को कोई समझ में दिक्कत आया है। नहीं है, शरीर को कोई दिक्कत नहीं है। शरीर तो आपको सूचना दे रहा है कि एकदम घुट जाएगा। घुटने दे, अगर आप तय कर ले कि घुटने दे तो घुट जाएगा, नहीं तो नहीं घुटेगा। आपको आपको दिक्कत है, आप ये तय नहीं कर पा रहे कि शरीर को चलाना है कि छोड़ना है। जी शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, शरीर तो आपको सूचना दे देता है। जैसे शरीर में कट हो गया, उससे शरीर को क्या दिक्कत है? शरीर से तो सूचना मिल गई कि कट हो गया, अभी करना जो करिए, नहीं तो मत करिए। इसलिए मैं कह रहा, इस प्रयोग को जी करके देखिए। 5 मिनट आप कहिए कि शरीर को कि सांस ना ले, शरीर सांस लेना बंद कर देगा, ठीक है ना? फिर जी हाँ देखिए क्या जी होता है, और आपके और शरीर के बीच में क्या ट्रांजेक्शन चल रहा है। अभी तो क्या है कि आप शरीर के साथ अपने को इतना आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि शरीर में कुछ होता है तो आप बेहोश हो जाते हैं, है ना? आप पूरी जी तरह से भैया शरीर हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है अपनी। देखिए, जी, क्योंकि हमने शरीर को ही खुद को माना हुआ है ना, कि हम शरीर ही है। जी, इसलिए अब उसको ऑब्जर्व करना शुरू करिए विदाउट गेटिंग आइडेंटिफाइड विद द बॉडी। तो आपको पता लगेगा कि शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा सांस मत लो, सांस बंद हो गया शरीर का, आपकी सहमति से ही सांस चल रहा था। अब शरीर घुटने लगेगा दम, उस तो आपको सूचना मिलती रहेगी कि दम घुट रहा है। अगर आप ये तय करें कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं, घुटने दो तो घुट जाएगा दम। आपको प्रॉब्लम होने लगती है तो आप नहीं होने देते हैं, आप कहते हैं चलो सांस ले लो। जी लेकिन भैया जो बाहर से संवेदना आएगी ना, जैसे सांस रोकने का सोचते हैं या कुछ कट करने का सोचते हैं इस तरह से, तो उससे फिर जो संवेदना दर्द की उसकी, तो वो फिर कैसे हो पाएगा। ये तो कौन तय कर रहा है, आप या शरीर? ये जितनी बातें अभी आपने बताई, ये किसको प्रॉब्लम हो रही है? तो जी ये तो सेल्फ ही तय कर रहा है भैया जी। फिर ये तो क्लियर, और क्या, इतनी तो बात है। जी भैया मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि जैसे हम कहते हैं मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, और अगर तो हम ऐसे खुद से डिसाइड, इवन अगर कोई 100 ईयर का भी, उसको भी हम पूछना चाह पूछे कि शरीर छोड़ना चाहते, तो वो भी मना ही करेगा कि नहीं छोड़ना है। तो जैसे अब
इंसान को ये समझ हो जाए कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ। और वो जैसे आप कल बात कर रहे थे कि फिर उसको ये समझ में आ जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम पूरा करके उसको लगता है कि हाँ मुझे शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा समझ पाने के लिए एक तो मुझे लगता है कि हर इंसान को मतलब इस चीज की समझ होनी चाहिए, तभी वो अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा और तभी वो इसके जाने का डिसाइड कर पाएगा जब उसका जो सेल्फ वाला पार्ट है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्लियरिटी होगी। फिर दूसरी चीज ये समझ में आई कि ये जैसे हम मृत्यु वाली बात बोलते हैं तो मतलब हमारे हाथ में ही नहीं है, हमने ऐसा सुना है कि ये तो किसी का भी निश्चित नहीं है और इसको कोई भी नहीं जानता। और अगर हम खुद से ये डिसाइड करके सोच पाए कि भाई मुझे जाना है, मुझे शरीर छोड़ना है, तो फिर उसमें मतलब अगर जैसे सेल्फ अगर स्ट्रांग है मतलब तो फिर हमको उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी शरीर की, ऐसा आप बोल रहे हैं? जी संतोष जी नाम है ना आपका। पहले भैया, जी भैया, तो क्या है, देखिए अपने को रिलैक्स रहने की जरूरत है। सवाल जी भैया, जी पूछते समय भी अपन तो आराम में रहे, हड़बड़ाए नहीं, भैया, ये सबसे जी महत्वपूर्ण जी बात है। नहीं तो क्या है, हड़बड़ाते रहेंगे तो ना सवाल ठीक से पूछ पाएंगे ना उत्तर सुन पाएंगे। जी भैया, हाँ ठीक है, तो जी, थोड़ा रिलैक्स रहकर प्रश्न पूछा बजाय और उत्तर सुना जाए, है ना। जी भैया, एक बात तो ये कहना मुझे, दूसरा मैं ये कह रहा हूं जी कि आपने कई सारे प्रश्नों को जोड़ दिया है जी ना, भैया, तो हाँ जी मैं कई सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ नहीं दे सकता हूं। जी मैं उन प्रश्नों को अलग अलग करता हूँ और एक एक जी प्रश्न का भैया, उत्तर देता हूँ ताकि वो सब मिले हुए प्रश्न जो है फिर उसका उत्तर आपको मिल जाए। तो जी आपका एक प्रश्न ये है कि भाई आदमी ये जो शरीर की मृत्यु का प्रश्न है इसको खुद निर्णय कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जी एक तो प्रश्न ये था आपका, दूसरा हाँ जी ये था कि हमको अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। अब ऐसे जी कई सारे प्रश्न को आपने एक साथ मिक्स कर दिया, अभी मैं किसका उत्तर दूं पहले। तो मैंने आ निर्णय किया कि मैं पहले वाले का उत्तर दे देता हूं कि जी आप भैया, निर्णय पूर्वक शरीर को चला सकते हैं, निर्णय पूर्वक शरीर को छोड़ सकते हैं कि नहीं, ये आप भी कर सकते हैं या सिर्फ साधु महात्मा कर सकते हैं। ये जो सवाल था मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, ठीक जी भैया, है ना। तो उसको तो अपने को धैर्य से सुनना पड़ेगा, अपने में ध्यान देकर देखना पड़ेगा, जांच परख करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तब आगे उत्तर मिलेगा अपने को। और ये बात मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर ना जी सीधा सीधा देने के बदले मैं तो उस प्रक्रिया की बात करता हूँ जिससे आप अपने में उत्तर पा सकते हैं। जी भैया, रोज तो बहुत धैर्य चाहिए इसमें। की दौड़ भाग में ये कुछ सोचते ही नहीं है कि जीवन का कुछ लक्ष्य भी हो सकता है, हमें किसी के लिए कुछ करना भी है और हम बस यही वो जो फिजिकल फैसिलिटीज है उसको इकट्ठा करने में और जो सभ्यताएं बाहर से मिल रही हैं, फिर जिम्मेदारियां, उन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं। में मतलब कुछ तो ठीक क्लैरिटी है, नहीं है कि क्या पूछना है। जी भैया, जी मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, जी 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 कह रहा हूँ कि हमारी सीमा यह है कि मैं एक समय में एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। भैया, आप बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन मैं एक समय में एक उत्तर दे सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम भैया जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको उचित लगे आप उसके अकॉर्डिंग बता वैसे दीजिए। जी ही कर भैया, रहा जी भैया, सॉरी भैया उसके लिए, वो नहीं नहीं जी सारी की बात नहीं है, हम तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, जी आपकी स्थिति को लेकर कोई मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ भैया, जी जी। तो ये है कि अभी भी हम निर्णय तो खुद ही ले रहे हैं शरीर चलाने का या नहीं चलाने जी का। 5 मिनट आप इस प्रयोग को करके देखेंगे, शरीर को कहिए कि सांस ना ले, तो आपको पता चल जाएगा कि शरीर चलाने का और शरीर को छोड़ने का दोनों निर्णय अभी भी आप कर रहे हैं, बेहोशी में कर रहे हैं, इसलिए आपको पता जी नहीं, ठीक है ना। तो तिब्बत में एक प्रयोग है, उसका नाम है बारदो। उस प्रयोग का मतलब यह है कि जब आप शरीर छोड़ने वाले हों तो भैया, आप उस पूर्वक छोड़ें। तो बहुत लोग जी आपके सहयोग के लिए आते हैं जो आपको ध्यान दिलाते हैं कि हर क्षण आप उसका ध्यान दीजिए कि आप एक एक है ना अंग से शरीर जो है प्राण को विदा कर रहे, छोड़ रहे शरीर।
और उनका तर्क यह है कि अगर आप होश पूर्वक छोड़े, जब पैदा हुए तब तो बेहोश थे ही, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते उसका। अभी शरीर सही छोड़ते समय अगर आप होश पूर्वक छोड़ेंगे, तो अगली बार जब शरीर चलाएंगे दूसरा शरीर, तो होश पूर्वक चलाएंगे। सही तो कहते जो हो गया सो हो गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, पैदा तो आप हो ही गए, लेकिन अब शरीर छोड़ते समय तो इतना ध्यान रख ले कि होश पूर्वक छोड़ें। उसको करेंगे तो अगली बार आप होश पूर्वक शरीर चलाना शुरू करेंगे, तब आपको शुरू से ध्यान रहेगा। तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा चलिए, जो हो गया सो हो गया, अभी तक बेहोशी में चल गया, अब तो हम होश पूर्वक देखना शुरू कर दें कि मैं निर्णय पूर्वक शरीर को चला रहा हूँ। और ये हर व्यक्ति देख सकता है, उसके लिए कोई साधु महात्मा ही होना जरूरी नहीं है। ये सब देखते हुए आप साधु महात्मा हो जाएंगे, ये बात अलग है, लेकिन देखने वाला काम तो हर आदमी कर ही सकता है। तो आप उसको देखना शुरू करिए अपने लिए, तो आपको पता चलेगा। तो एक प्रश्न का उत्तर तो ये। दूसरा ये कि हमको अपना लक्ष्य क्लियर हो जाए कि नहीं, और हम अपने में तृप्त हो जाए कि नहीं, वो तो करना ही चाहिए, वो तो हर एक को करना है। वो तो हम लोग पूरी बात उसी रूप में कर ही रहे हैं कि हम में से हर व्यक्ति को अपना होना पता चल जाए, अपने होने का लक्ष्य पता चल जाए, वो लक्ष्य पूरा कैसे होगा ये पता लग जाए, है ना, और फिर उसको हम पूरा कर लें। यही बात तो EHV 2 में सारा जो है, चाहे इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप हो चाहे EHV 2 का कोर्स हो, सब में यही बात तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो उस पर तो सहमति है अपने। तो अब ये होगा कि हम शरीर चलाएंगे तो भी सुखपूर्वक चलाएंगे, शरीर छोड़ेंगे भी तो सुखपूर्वक छोड़ेंगे। अगर हमको लक्ष्य स्पष्ट हो गया, स्वयं का होना स्पष्ट हो गया, है ना, स्वयं के का लक्ष्य स्पष्ट हो गया, उस लक्ष्य को हमने अपने में पूरा कर लिया, तो शरीर को जो एक माध्यम की तरह था, साधन की तरह था, उसका सदुपयोग हो गया। अब हमको कुछ निर्वाह करना है तो उसके लिए शरीर चलाएंगे, अभी कुछ निर्वाह करने की जरूरत नहीं लगती है तो नहीं चलाएंगे, तो हम निर्णय कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ब्रॉडली ये दो प्रश्न को मैंने रिस्पॉन्ड किया आपका। अब कोई आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गया हो तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, अन्यथा मैं मानू कि आपको मैंने उत्तर दे दिया। जी भैया नमस्ते सभी को। गणेश जी नमस्ते नमस्ते। बहुत ही सही चर्चा चल रही है। मैं अभी तक ये मेरा तीसरा क्या बोलते थर्ड टाइम है कि मैं आपको सुन रहा हूँ, और बहुत ही आपका जो आंसरिंग का जो क्या बोलते तरीका है वो बहुत ही ह्यूमन रिलेटेड लग रहा है। तो भैया अभी जो भी मेरा डिस्कशन सभी चल रहा है, बहुत ही देख पा रहा हूँ कि जो आपका पहली वीडियो मैंने देखी है उसमें आपका फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ग्रॉसेस एक्टिविटी टुवर्ड द सटलेस्ट, तो ये सब देखते हुए मेरे इसमें एक सवाल पैदा हुआ है कि हम जो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे एक्सरसाइज 1 और 2 भी हम अभी देखना शुरू हो गए। सो वी आर मूविंग फ्रॉम ग्रॉसेस टू सटलेस्ट, मिस B2 to B1। लेकिन भैया मुझे एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई है। मैंने जब हम मंदिर में खड़े हो जाते हैं, जब मैं खुद को पुजारी समझ के खड़ा होता हूँ, और अगर कोई दूसरा आता है जिसे मैं फॉर एग्जाम्पल वेल नोन चोर है ऐसा, तो ये दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग हम वहां खड़े होते हैं मंदिर में भगवान के सामने, तो मतलब ये हम कैसे देखें, क्योंकि वी नो एक्सरसाइज 1 से कि हार्मोनी है, रिलेशनशिप है, को एग्जिस्टेंस है, ये सब सही है मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग, और वो चोर की राइट अंडरस्टैंडिंग, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट अभी भी है। प्लीज भैया, थैंक यू। जी मैं कह रहा हूँ, आपका प्रश्न क्या है, समस्या मेरा क्या है? प्रश्न ये है, मेरा ये प्रश्न है कि पुजारी की अंडरस्टैंडिंग और चोर की अंडरस्टैंडिंग, इसमें दोनों में क्या अंतर है? दोनों के पास तो सही समझ है। दोनों के पास सही समझ है या दोनों के पास ही सही समझ नहीं? दोनों के ही पास नहीं है सही समझ जी 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 प्लीज तो ट्रस्ट जी के जगह पर हम लोग इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, ये दो चीजों की बात करते हैं। तो वो अगर हमको ठीक से समझ में आता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमको पता लगता है कि इंटेंशन तो सबका सही है, कॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जी। तो ये जो व्यक्ति चोरी का काम कर रहा है, इसका मैं मूल्यांकन तो करूंगा कि ये चोरी करता है, बट ये व्यक्ति सिर्फ चोर है इतना नहीं है, व्यक्ति में वो सब संभावना है जो किसी भी संत और महापुरुष में हुई है ना, रियलाइज। ये भी संत बनना चाहता है, ये भी महात्मा ही बनना चाहता है अल्टीमेटली। बढ़िया चोरी कर
रुकिए, ऐसा नहीं कर रहे थे अभी। पहले ये तो क्लियर हो कि हमको उसका इंटेंशन और कॉम्पिटेंस दोनों दिख रहा है या सिर्फ कॉम्पिटेंस दिख रहा है। तो बुद्ध से जब मिले अंगुलीमार जी, तब तक वो 99 लोगों को वो कर चुके थे हत्या करके, उनकी अंगुली को अपने माला बना के पहना करते थे वो। इससे ज्यादा विभत्स लोग तो आपको नहीं मिलते ना अभी, ठीक नहीं। और एग्जैक्टली वो आदमी भी ठीक हो गया। हो गया कि नहीं? तो ऐसे भी हो बिल्कुल सकता है राम। कि इंटेंशन से सबका ठीक है। हमारे इस देश में अच्छी सेम सुविधा स्टोरी नहीं है, वाल्मीकि। बिल्कुल हमारे पास है, उसको ठीक से देखने समझने की जरूरत है। जी हाँ, तो ये जो पंडित जी है ना, वो अगर हाँ ठीक से हाँ इवैल्यूएशन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो संभावना मेरे में है, जो इंटेंशन मेरा है, वही इंटेंशन इनका है। और कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन करेंगे तो उनको पता लगेगा कि चोर तो बहुत सारा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मैं भी कोई कम गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। तो एवरीवन इज डूइंग लाइक दिस। ओके थैंक यू। अगर दोनों का मूल्यांकन सही हो जाए ना, इवैल्यूएशन, तो झंझट ही नहीं है। जी बुद्ध को जी झंझट है ना, अंगुली मार को झंझट है। हाँ, तो अंगुली मार बुद्ध बन सकते हैं, ये जी पॉसिबिलिटी का बुद्ध को पता है, अंगुली मार को पता नहीं है। हाँ अच्छा ओके जी, तो अंगुली मार ने बुद्ध से कहा, वो जा रहे थे उस रास्ते से, तो उसके डर से तो कोई उस रास्ते से गुजरता नहीं था, लेकिन वो जाते रहे। और उंगली मार को जब देखा उन्होंने, तो भी वो चलते रहे। तो उन्होंने कहा कि रुक जा, तो बुद्ध रुके। उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे? कहते तो हैं कि इतने में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब ध्यान चला गया होगा, ध्यान जाने की बात है। तो पोटेंशियल तो उंगली मार में भी है। बुद्ध को बहुत लोगों ने मना किया कि उधर से मत गुजरिए, वो बहुत हिंसक आदमी है, लेकिन बुद्ध को पोटेंशियल दिखता था, तो इसलिए वो गुजरे। गुजरे तो वो घट भी गया, नहीं भी घटता, बुद्ध को मार भी सकते थे, वो मर जाते बुद्ध, उसमें क्या प्रॉब्लम। बुद्ध की मृत्यु जो है, किसी व्यक्ति ने उसको खाने पर बुलाया और उसको मशरूम का वो बना कर दिया सब्जी, और जब दिया तो उसने, बुद्ध ने खाया तो उनको ये स्पष्ट हो गया कि ये तो जहरीला है ना। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, तुम पूरा हम ही को दे दो और किसी को मत दो। और फिर उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तुम जो है गांव चले जाओ, क्योंकि हमारे शरीर छोड़ने के बाद लोग बहुत तुमसे नाराज होंगे और हिंसक हो सकते हैं। उसको भेज दिया, उसके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जी ऐसा नहीं कि सिर्फ जहर खाने से, उन्हें जहरीला खाने से हो गया, उनका भी निर्णय था कि हो गया काम, 25 साल हो गया, 45 साल हमने पहले उसको ढूंढने में लगाया, 35 साल, फिर 45 साल लोगों तक पहुंचाने में लगाया, अपना काम हो गया, 80 साल स्वस्थ शरीर है, उसको काम हो गया, इसको छोड़ देते हैं। लोगों के लिए काफी होमवर्क हो गया है, लोग होमवर्क करें, फिर जब तैयार हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। बढ़िया जी। और क्या, मतलब ये आपके उदाहरण से मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर मुझे प्योर ऑब्जर्वर बनना है या उसके तरफ जाना है धीरे धीरे सेटलेस्ट की तरफ, तो आई हैव टू सी ए कॉम्पिटेंस इन अदर ऑल्सो। एट द सेम टाइम मेरा खुद का भी कॉम्पिटेंस मुझे देखना बहुत जरूरी है। जी भैया मैं ये कह रहा हूं कि पहले अपना इंटेंशन और अपना कॉम्पिटेंस ये देखना जरूरी है। जी। इसको देखे बिना दूसरे का देख ही नहीं सकते हम। हाँ इसीलिए अभ्यास एक की बात कर रहे हैं पहले, फिर अभ्यास दो की बात कर रहे बराबर बराबर हैं। अभी हमको अपने से ही परिचय नहीं है, तो जितना अपने बारे हम मानते हैं उतना दूसरे के बारे में मान लेते हैं। जी
अभी है कि आपने नहीं। एग्जांपल करेक्ट। तो हाँ हाँ अपने को हम जो माने रहते हैं जानते अपने बारे में नहीं है, ठीक है। जी तो दूसरे के बारे में कुछ मान लेते हैं, और वो मानना करीब करीब हमारे अपने मानने के बारे जो है उसका रिफ्लेक्शन होता है। जो हम मानते हैं, जो जो जैसा होता है वैसा उसको दिखता है, ऐसा बोलेंगे प्लीज। जी। बढ़िया है, एक बात पे तो सहमत हो गए, बढ़िया। बट ये मैं इसका आशय मत लीजिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि आप शरीर छोड़ दीजिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। जी वो बहुत ही मस्त चर्चा चल रही है, आप अगर हमसे ऐसे बीच बीच में मिलते रहेंगे तो हमको और उपलब्धि होगी। हाँ मैं तो इसलिए आज के मिल लिए लेता हूँ जी बीच बीच में कि आप लोगों से परिचय हो जाए। नमस्ते। भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते, धन्यवाद। हाँ नमस्ते सभी को, नमस्ते गणेश सर। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और एक क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्वेश्चन रखती हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन राइट अंडरस्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ सेल्फ। मैं जब अपने साथ संवाद करती हूँ तो भाषा का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं और अच्छे से। जी देखिए, भाषा शब्द का मतलब क्या है पहले उसको समझ लेते हैं ना। तो भाषा का मतलब यह है कि जिससे हमको वास्तविकता का भास हो जाए, ठीक है ना, वो भाषा है। हाँ इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हिंदी में देखें तो उसका मतलब, भाषा शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, और उसका मतलब है कि जिससे हमको भास जाए, है ना, किस बात का भास हो जाए कि किस वास्तविकता को इंगित किया जा रहा है, ये भास जाए, ये उसका पर्पस है, ठीक जी है ना। तो हाँ अगर हमने किसी भाषा का प्रयोग किया, किसी शब्द का प्रयोग किया, और आपको भास गया कि मैं किस वास्तविकता के बारे में इंगित कर रहा हूं, तो भाषा सफल हो गई। जी जी अगर वो इंगित नहीं हुआ या अन्यथा कुछ इंगित हो गया तो असफल हो गए। जी तो जब हम कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते तो इसका मतलब कहीं भाषा का भी उसमें रोल तो हुआ ना। वही मैं कह रहा हूं, तो रोल तो है ही, आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो भाषा का रोल तो है ही, ये तो प्रयोग ही हाँ कहते, ठीक है कि नहीं। तो जी भाषा का आशय यह है कि हमको वास्तविकता का भास हो जाए, वो हो जाता है तो भाषा सफल है, वो नहीं होता उससे अन्यथा कुछ कम्युनिकेट हो जाता है तो असफल है, ठीक जी हो गया। हाँ हाँ, इसमें जो और महत्वपूर्ण बात है देखिए वो यह है कि जब हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो पहले हाँ ये तो स्पष्ट हो कि हमको वस्तु स्पष्ट है कि नहीं, वास्तविकता स्पष्ट है कि नहीं, हाँ तो हमको स्पष्ट हो कि हम किस वास्तविकता के बारे में बात कर रहे हैं, एक। हमको हाँ स्पष्ट हो कि उस वास्तविकता को व्यक्त करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दो, ठीक है ना। जब हाँ हम दूसरे तक इसकी बात कर रहे हैं तो वो जो हमने अपने में मान रखा है, स्वीकार रखा है, शब्द और वस्तु का कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, हाँ वो दूसरे को ठीक से है कि नहीं पता। अगर नहीं पता है, उसने कुछ और मान रखा है, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, वो किसी और वास्तविकता को इंगित कर लेगा उससे, ठीक है जी ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, पहला ये देखना कि हमको वस्तु दिखी है कि नहीं, दूसरा हमको ये स्पष्ट है कि नहीं कि उस वस्तु के लिए मैं क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, हाँ तीसरा उस शब्द दूसरे तक ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं, चौथा उसके अंदर जो है, जो मान्यता है उस शब्द के संदर्भ में, वो उसको उस वास्तविकता से जोड़ती है कि नहीं। हाँ अगर नहीं जोड़ती है तो भी फेल हो जाएगा,
हाँ ठीक है ना। बिल्कुल तो इतने पांच कॉम्बिनेशन चाहिए। इसमें पहला जी। कॉम्बिनेशन है कि हमको वास्तविकता का पता है कि नहीं, हाँ बस बस मेरा सिर्फ वहां तक का ही अभी है सवाल, तो क्योंकि मेरा मेरे में स्पष्टता हो जाएगी तो आगे स्पष्टता होने का काफी उसमें रहेगा, हंड्रेड संभावना परसेंट बनेगी, आंसर। लेकिन आगे की स्पष्टता के लिए भी काम करना पड़ेगा। हाँ अभी जैसे जी आप लोगों से बात हो रही है ना, अभी आज एक्सरसाइज वन में 7 स्टेप की बात की। क्यों किए जी 7 स्टेप की? एक स्टेप से क्यों नहीं चलता? हाँ क्योंकि एक एक स्टेप में आपको उस वस्तु की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है जिसको सेल्फ कह रहे हैं। जी आप ध्यान दे रहे हैं उसको, अपने में देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? आपकी योग्यता बढ़ रही है। तो हम जी भाषा वही प्रयोग कर रहे हैं जो पहले स्टेप में भी कर रहे थे और 7वें स्टेप में भी कर रहे हैं, लेकिन 7वें स्टेप तक पहुंचते पहुंचते उन्हीं शब्दों का अर्थ आपके लिए बिल्कुल बदल जाता है। पहले जी जी स्टेप में जब मैंने कहा कि होश में रहना है, हर क्षण होश में रहना, तो आपका कुछ मतलब होता है? अभी 7वें स्टेप तक पहुंचते पहुंचते ये पता लगता है कि होश में रहने का मतलब दृष्टा की जगह पर रहना। जी प्रतिक्रिया नहीं करें उसका एक मतलब निकलता है। 7वें स्टेप में पहुंचते पहुंचते आपको पता लगता है कि दृष्टा की जगह पर होंगे तो प्रतिक्रिया होगी ही नहीं, ठीक जी है ना। अभी दूसरे और तीसरे स्टेप में कह रहे हैं कि आप अपने जो है भाव विचार का मूल्यांकन करिए, सहज है असहज है सुखद है दुखद है ना। शुरू में बहुत कठिन लगता है, लेकिन आप 7 स्टेप पूरा करते करते आपको दिखता है कि अगर मैं दृष्टा की जगह पर हूँ तो वहां से मैं भाव को देख ही सकता हूँ, उसका मूल्यांकन कर ही सकता हूँ, उसको करता हूँ तो मैं उससे अप्रभावित रहता हूँ, तो प्रतिक्रिया ऐसे भी नहीं करता हूँ। वहां से मैं देख सकता हूँ कि क्या सहज है क्या असहज है, क्या सुखद है क्या दुखद है। अब ये सब बातें जो बहुत एफर्टफुली कर रहे थे आप पहले स्टेप में, हाँ तीसरे स्टेप में, अभी ठीक से इस पर काम हो जाता है तो आप बहुत सहजता से होने लगता हो काम। जी, भाषा वही एफर्ट प्रयोग लेस कर हो रहे हैं, लेकिन जाते आपका हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम हो रहा है। हाँ जी। अब उस वस्तु शब्द का अर्थ आपके लिए बदलता जा रहा है, ठीक है ना। तो अपनी हाँ जिम्मेदारी, अगर हमको वस्तु दिखी है तो हम धीरे धीरे आपको उसी भाषा का प्रयोग करके आपको आपकी योग्यता को बढ़ाएंगे। वही जी भाषा जो पहले आपके लिए इफेक्टिव नहीं थी फिर इफेक्टिव हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन करते समय ये जिम्मेदारी हमको स्वीकारनी चाहिए कि हमको स्पष्ट है कि नहीं वस्तु हाँ 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 बस क्या बस प्रयोग कर रहे हैं सही वो स्पष्ट है कि नहीं, वो शब्द दूसरे तक हम ठीक से पहुंचा रहे हैं कि नहीं, और दूसरे में भी वो अर्थ जो है उसकी मान्यता में बना हुआ है कि नहीं, स्वीकृति में बना हुआ है कि नहीं। अगर नहीं बना हुआ है तो उसको बिल्डअप करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हाँ इसलिए आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम उसका उत्तर जहां से देना शुरू करते हैं, कई बार आपको लगता है कि मैंने आपका प्रश्न सुना ही नहीं है, आप कुछ और पूछ रहे हैं, कुछ और उत्तर दे रहे हैं लेकिन क्या करें, नहीं आपका नहीं वो उत्तर गैप देने के लिए गैप तो ब्रिज समझ में बनाना आता पड़ता है। है, हाँ ब्रिज को बनाता हूँ, हाँ आपकी योग्यता को विकसित करता हूँ, फिर उत्तर देता हूँ, तो आप उस उत्तर को समझ पाते हैं कि क्या कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी जी। और आगे जाऊं सर, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, जो शून्य का जो एक अभ्यास अभी करवाया था कि शरीर के, मेरे और शरीर के बीच में जो शून्य है उसको देखना है, तो उसमें मैं वहां तक पहुंच पाई कि जैसे हम सांस लेते हैं तो एक गैप, मतलब एक शून्य है नाक के अंदर। कभी मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी तो मैंने देखा कि उसके पीछे भी एक होलो पार्ट है, तो वो सारी चीजें तो महसूस हो रही है कि वहां शून्य है, लेकिन उससे आगे अभी और कैसे जाए? ऑब्जर्व करते करते ही जाएंगे। जी, देखिए क्या है, अभी ना हमारा जो फोकस है वो तो इकाई को देखने का है, हाँ ठीक है ना। जब शून्य की बात भी हम करते हैं तो इकाई के अभाव को के रूप में शून्य को देखते हैं, हाँ है ना। या उसको और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से कहेंगे तो क्रिया को देखने का अभ्यास है। शून्य को जब हम देखते हैं तो क्रिया के अभाव के रूप में देखते हैं, जी ठीक है ना। हाँ अभी वहीं से शुरू करते हैं, जैसा अभी आपने कहा
हाँ जहाँ आप देख रहे थे जिसको एक स्थूल इकाई मान रहे थे, अभी ध्यान से देखते हैं तो उसके बीच में भी खाली जगह दिखती है। तो दो क्रियाओं को मिलकर एक क्रिया बन रही है और उसके बीच में बहुत सारा शून्य है, ठीक हाँ है ना? ऐसा भी देखते हैं हम, तो वहां से शुरू करें। जी बट जी धीरे धीरे आप ध्यान देंगे ना तो ये पूरा पलट जाएगा। अभी किसी अच्छा इकाई को जब आप देखते हैं तो पहले इकाई दिखती है कि पहले शून्य दिखता है? पहले तो इकाई ही दिखती फिर ध्यान से देखिए, कोई है। इकाई हाँ को एक इकाई के रूप में तभी देख पाते हैं आप जब उसके बीच में शून्य हो, शून्य है। अच्छा अदरवाइज दो इकाई के बीच में कैसे अंतर करेंगे? दो नहीं इकाई बीच, मिलकर एक इकाई हो जाएगी वो, हाँ, तो नहीं वो वो जो दो आपको, इकाई के बीच का शून्य तो दिख रहा है, जो वो बाहर के लेवल पर शरीर के लेवल पर वो दिखना जरूरी है, मैं ये मान नहीं, मतलब मैं तो बाहर के लेवल पे ही कह रहा हूँ। हाँ जैसे आपको पृथ्वी एक इकाई के रूप में दिखती है, हाँ हाँ ये एक ही इकाई है या इसमें बहुत सारी इकाइयां मिलकर ये पृथ्वी बनी हुई है? ठीक, बहुत सारी इकाइयां हैं। और स्पेस तो इसमें है ही बीच में। हाँ आप उसको अलग अलग इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसके बीच के शून्य को आप देख नहीं पा रहे हो, इकाइयों के बीच से, है अच्छा कि नहीं? ठीक है सर, हाँ आया समझ में, आया आया जी, तो इकाई को देखने के पहले शून्य देखना पड़ता है, तभी इकाई दिखती है। अच्छा। हाँ पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा वहां से, वैसे देखेंगे तो। तो अब जी आप इकाई को देखेंगे तो पहले शून्य दिखेगा और शून्य में इकाई दिखेगी, हाँ हाँ है ना? तो हाँ सर अब धीरे धीरे सीधा सीधा शून्य को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा, उसमें इकाई को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, मिल गया रास्ता अभी अभी इकाई को देखने का अभ्यास है और इकाई के अभाव को शून्य के रूप में देखने का अभ्यास। जी तो ये सब धीरे धीरे होगा, बदलेगी चीजें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को मान रखा है और हमको ये भी नहीं पता कि हमने मान रखा है। हाँ जैसे आज का विज्ञान ये कहता है कि भाई हम तो मानते नहीं है, हम तो जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से करते हैं। अब विज्ञान अभी भी जो ऑब्जर्व करने वाला है उसके बारे कोई बात नहीं करता। हाँ अब आप उससे पूछिए कि भाई इसके बारे कुछ बात करते हैं कि नहीं, जी तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो दिख रहा है उस जो है उसको भी आप स्वीकार नहीं रहे हो। हाँ भाई देखने वाला है ये तो है ही, इसको आप स्वीकारते हाँ हैं कि नहीं, इसके बारे में बात करते हैं कि नहीं? तो विज्ञान इसके बारे में कुछ बात नहीं करता, चुप भी रहता है और फिर कहता है कि नहीं, जो हम देखते हैं वही मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं। और बहुत सारी चीजों को हम देखते ही नहीं है, ये बात नहीं कहता, कैसे हाँ चलेगा? ये सब तो बहुत सारे मुद्दे हैं, धीरे धीरे सब उठाए जाने चाहिए। तो हाँ जो देखते हैं उसी को मानते हैं, बट देखने वाले के बारे में को नहीं मानते। उसके बारे कोई बात राइट नहीं, तो हाँ ऐसी गहरी गहरी मान्यताएं हैं अभी सब हमारे अंदर। तो इसीलिए शून्य और इकाई के बारे में जो मान्यता है उसका भी मूल्यांकन होना है, उसको भी ठीक करना है। जी ठीक, बढ़िया। या थैंक यू सर, नमस्ते, 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 नमस्ते। सर नमस्कार। एक नमस्ते। जी शब्द बोला था आपने, एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मैटर, तो इसके बारे में समझना था सर, ये क्या होती है और इससे हम कैसे रिलेटेड हैं? जी एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मैटर नहीं कहा था मैंने, थोड़ा जी वो तुम ही सो ही जाता है सुनने में, फिर जी हम अपने मान्यता के हिसाब से कर लेते हैं उसको। मैंने ये कहा था कि जो एक्टिविटी अगर देखेंगे ना, किसी भी क्रिया को देखेंगे,
तो उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो उसका शून्य के अस्तित्व में क्रियाशील होना है, ठीक है ना, दूसरा दूसरे इकाई का उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, उसके तहत भी उसमें कुछ क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है। तो ये दो अलग अलग तरह की बातें हैं जिसको अपने को समझ लेना चाहिए। तो एक जो है उसको मूल चेष्टा कहा है ना, वो शून्य के अस्तित्व में है ही, दूसरा है जो प्रभाव के कारण होता है, उसका उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे आप अपने में देखेंगे तो आपके अंदर कोई ना कोई कल्पनाशीलता चल रही है, जी कोई इच्छा विचार आशा चल रही है, ठीक है ना, बाहर कुछ हुआ और आपने ध्यान दिया और उसको संवेदना के रूप में पढ़ा, है ना, जी तो उससे आपका जो कल्पनाशीलता में कुछ बदलाव होता है कि नहीं बदलाव होता है? होता हाँ होता है है। तो पहले जो हो रहा था वो एक्टिविटी आपकी अपने में बनी हुई थी, बाहर से इनपुट जी नहीं आया था तो भी, अब हो रहा है, लेकिन अब ये दोनों है, पहले जो चल रहा था वो प्लस अभी जो प्रभाव आया बाहर से वो, जी अपने को ये दोनों को समझना है। तो जो हमारा एब्सोल्यूट स्टेट है बाय वे ऑफ एब्सोल्यूट, मतलब जो एक्टिविटी इन स्पेस, एक वो है और एक दूसरे इकाई के रिलेटिव है। पहला क्या एब्सोल्यूट स्टेट जो स्पेस की वजह से है। अच्छा स्पेस के अस्तित्व में जो हो ही रहा है, ठीक है ना, इसको आप समझने जाएंगे ना तो दृष्टा की जगह से ठीक से फाइनली समझ में आता है। दृष्टा की जगह से जब अच्छा देखते हैं तो ये पता लगता है कि दृष्टा जो है वो स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में एक्टिव है हमेशा, ठीक है ना, वो नीचे की जी क्रियाओं को देख भी रहा है, उसका मूल्यांकन भी कर रहा है और उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। दृष्टा, हाँ दृष्टा माने सेल्फ। दृष्टा का मतलब प्योर ऑब्जर्वर, जिसके जी बारे में अभी बात कर रहे थे हम लोग, बहुत देर से यही बात हो रही है ना के बारे। प्योर ऑब्जर्वर क्या है कि उसमें एक्टिविटी भी है, वो नीचे की क्रियाओं को देख भी सकता है, उनका मूल्यांकन भी कर सकता है, उससे प्रभावित भी नहीं होता। तो है इसका मतलब सेल्फ, जो प्योर ऑब्जर्वर की जगह जो एक्टिविटी हो रही है वो स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में होने के आधार पर हो रही है, दूसरे इकाई का प्रभाव नहीं है, दूसरे क्रिया का प्रभाव नहीं है। ठीक के नीचे की क्रिया में जब जाते हैं तो दोनों है, उसका अपना स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में होने के कारण एक्टिविटी है, प्लस दूसरे एक्टिविटी के प्रभाव के कारण भी एक्टिविटी है। तो जो ऊपर वाली को एब्सोल्यूट स्टेट बोलेंगे नाम उसको क्या देना जहां चाहते प्योर हैं, लेकिन ऑब्जर्वर। बट उसको ये कहा है कि एक एब्सोल्यूट एनर्जी का स्टेट है और एक रिलेटिव स्टेट है एनर्जी का। अच्छा ठीक है अपन तो उसमें जो एनर्जी दिख रही है, जो एक्टिविटी दिख रही है, उसके दो भाग हैं, एक है एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ द एक्टिविटी और एक है रिलेटिव स्टेट ऑफ द एक्टिविटी। ये दोनों को समझना जरूरी है। ठीक इसमें दृष्टा ही एक ऐसा जगह है जहां पर एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ जो एक्टिविटी है वही रहता है, रिलेटिव वाला नहीं होता है, इसीलिए वहां पर आप शुद्ध बुद्ध बने रहते हैं, वहां कोई व्यतिरेक नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, इसीलिए उसी को सिर्फ शुद्ध कहा है। रिलेटिव भी जरूरी तो है क्योंकि रिलेशन तो है ही सबसे, कोई ना कोई प्रभाव आता ही है। वही प्रभाव में रहना है कि स्वभाव में रहना है? हाँ स्वभाव में रहना है पर अरे प्रभाव को डाइल्यूट कैसे भी कर सकते हैं। तो स्वभाव में रह सकते हैं आप, ये मुख्य बात है। सेल्फ को जब जी देखेंगे ना तो सेल्फ का मुख्य बात यह है कि स्वभाव में रहेंगे कि प्रभाव में रहेंगे। हाँ स्वभाव में रहेंगे वही दृष्टा की जगह से जब होंगे तो आप स्वभाव में बने रह सकते हैं, दृष्टा से नीचे उतर कर आएंगे संस्कार या कल्पना चिंता की जगह पर तो आप प्रभाव में आ सकते हैं। तो प्रभाव को बिल्कुल नेगलेक्ट करना है।
नेग्लेक्ट कहाँ करना है, प्रभाव के आधार पर जो सूचना बाहर से आ रही है उससे बाहर की स्थिति का मूल्यांकन करना है, अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। अच्छा आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप बाहर से सूचना लेते हैं और आप ही उसी में लोटपोट हो जाते हैं। तो उंगली कट गया तो उंगली को ठीक करना है ये निर्णय नहीं होता, आप रोने लग जाते हैं। हाँ होना ये चाहिए था कि भाई उंगली कट गई, हमने बाहर से सूचना लिया कि उंगली कट गई है, इसका खून रोकना है, तो मैं कुछ करूंगा बाहर के लिए, सूचना दूंगा कि भाई ये करो। हम रोने लगते हैं, रोने से कुछ होता नहीं है, दुखी और हो जाते हैं। बात तो स्वभाव में बने रहने की संभावना इसलिए है क्योंकि दृष्टा अप्रभावित। दृष्टा से नीचे आकर देखेंगे तो फिर आप प्रभावित होंगे। ठीक। आपके संस्कार में बैठा हुआ है कि मैं शरीर हूं, अब शरीर कट गया तो मैं कट गया, ऐसा होता है आपको। दृष्टा पद में ही रहने का अभ्यास करना है। एग्जैक्टली वही तो बताया, सारा एक्सरसाइज वन में इतनी सारी जो बात बता रहे थे उसका सार यही था कि हर क्षण दृष्टा की जगह बने रहते हुए बाकी सब काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। भी जो कहते हैं वो भी दृष्टा की जगह से बने हुए रह के कर सकते हैं। कैसा रहेगा? हाँ बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बस वही बढ़िया। करना है। पूछ रहा हूँ कि हम मैं तो एक्टिस जो रिलेशनशिप है, हम हर किसी को कैसे रिलेशनशिप में जोड़ सकते हैं यही नहीं देख सक रहा हूँ जी, ये पहले क्षण में। तो इसी से ये हमारा जो कुछ कॉम्पिटेंसी बोलो या संस्कार बोला जाए सब कुछ बेचैनी से हो उठता है। जैसे कि सर हम जानते हुए कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है मगर फिर भी आदमी उसको स्मोक करता है, वैसे ही हम जान लिए हैं ये ऐसे ही होता है मगर फिर भी यही होता है कि हम अगर हमारा भाव बिगड़ जाएगा तो हम गुस्सा कर ही जाएंगे। हम देखते हैं कि नहीं दूसरों को मैं भाई बोल के बुलाऊं या दीदी बोल के बुलाऊं फिर भी उसका जो कॉम्पिटेंसी होता है, मेरा तो पहले से कॉम्पिटेंसी लेकिन है मगर उसका जो कॉम्पिटेंसी होता है वो देख के हम बहुत ही बिगड़ जाते हैं। तो इसी को इम्प्रूव करने में तो इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। जी, और यहाँ पे तो कितना हाई लेवल का डिस्कशन हो रहा है कि शरीर छोड़ने में बुद्ध जी का वो तो मैं सोच ही नहीं सक रहा हूँ सर। और एक डिस्कशन हो रहा है जैसे कि पैन होता हुए भी हम उसको कैसे टॉलरेट कर सके अपना भाव से, कितना हाई लेवल का है ये सोच ही नहीं सक रहे हैं इतना तक। तो इससे ये कैसे मेरा कॉम्पिटेंसी थोड़ा इंक्रीज कर सकूं ये आप थोड़ा सा बता दीजिए सर। भाई देखिए, रिलेशनशिप कैसे देखें। हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें पूरे रेंज की बात हो रही है। जैसे एक्सरसाइज वन पर आपने काम शुरू किया तो जो भी थोड़ा बहुत तो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हाँ भाव को हम हमेशा देखते हैं भैया, हाँ, और उसको हमें भी देखने से भाव। और उसका मूल्यांकन करने से आपके जिंदगी में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बोल के तो हम ज्वाइन हुए हैं यही कंटिन्यूअसली। तो हम लोग तो सब लेवल की बात कर रहे हैं। जैसा सवाल आप पूछते हैं जिस लेवल का, उस लेवल का उत्तर दे देता हूं मैं। लेकिन हाँ भैया प्लीज। कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी जहां खड़ा है ना, वहां से शुरू कर सके, ठीक हाँ है ना, और धीरे धीरे ऊपर गति कर सके। तो ये जो एक्सरसाइज वन के 7 स्टेप की बात की है ना, वो इसीलिए इस तरह से 7 स्टेप का किया कि भाई जो भी जिस स्टेप में अभी है उससे आगे बढ़ सकता है कि नहीं? तो जिस जगह पर है वहां भैया से शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। इसीलिए कोशिश तो यही कर रहे हैं हम लोग, क्रम से जो है अभ्यास, एक में स्टेप 1 2 3 करते करते। और उसमें भी क्या होता है ना, जब आप कर रहे हैं काम तो पहले स्टेप पे जितना काम पहली बार हुआ होगा, लौट कर जब आते हैं स्टेप 1 पे तो फिर वो बिल्कुल बदल जाता है। स्टेप 1 का, 2 का, 3 का मतलब पहली बार जब आपने सुना था तो उसका जो मतलब आपने निकाला था, महीने 2 महीने बाद उसका मतलब बदल जाता है कि नहीं?
क्यों बदल जाता है? क्योंकि अब आप पहले से ज्यादा अच्छा देख पा रहे हैं, तो ऐसे क्रम से चल रहा है। तो अभी क्या है, देखिए ये जो संबंध को देखने की बात है ना, रिलेशनशिप को, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उसके अंदर जो सहज स्वीकृति है उसको नहीं देख पा रहे हैं। और उसकी सहज स्वीकृति को देखने का तरीका यह है कि पहले हम अपनी सहज स्वीकृति को देखें, ठीक है ना? इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आपको क्या सहज स्वीकार है, संबंध का भाव कि विरोध का भाव? संपर्क ये हमको देखना चाहिए। इसको 100 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए अपने से कि क्या हमको सह स्वीकार है, संबंध का भाव की विरोध का भाव। ये उत्तर अगर ठीक से मिल गया अपने को, तब फिर अपने से पूछिए कि भाई संबंध का भाव ही सह स्वीकार है, तो फिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ कि कभी संबंध का भाव रखता हूँ, कभी विरोध का भाव रखता हूँ? ठीक है ना? मगर भैया, सामने वाला का जो व्यवहार होता है उसको देख के हम तो सोच रहे हैं कि संबंध का भाव रखें, मगर सामने वाला उसको कंटिन्यूअसली वैसे ही करते जा रहा है अभी थोड़ा रुकते ना, पहले कंटिन्यूअसली। अपना सॉर्ट आउट कर लें ये दो बात, कि संबंध का भाव ही हमको सहज स्वीकार होता है, उसके बावजूद कभी हमारे में संबंध का भाव रहता है, कभी विरोध का भाव रहता है। ऐसा क्यों रहता है उसको देखने जाएंगे तो पता लगेगा कि ऐसा हमारा संस्कार बना हुआ है पहले। अच्छा ये अगर अपने को पता चल गया, तब अब हम दूसरे को देखेंगे तो हमको ये तीनों चीजें दिखेंगी। एक तो ये दिखेगा कि सहज स्वीकार्यता तो उसकी भी संबंध के लिए है, लेकिन योग्यता के अभाव में वो कभी संबंध और कभी विरोध का भाव रखता है ना? क्योंकि उसका संस्कार ऐसा बना हुआ है, और संबंध या विरोध का भाव रखता है तो ऐसा प्रस्तुत होता है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति हमारे साथ विरोध के साथ प्रस्तुत होता है, तो हम तीन चीज को देखते हैं। एक तो उसका व्यवहार विरोध का, दूसरा उसका भाव विरोध का, और तीसरा उसकी सहज स्वीकृति संबंध के लिए। ये तीनों को देखेंगे तो आपको रास्ता निकलना शुरू होगा, तब आपको ये दिखेगा कि ये व्यक्ति का स्वीकृति तो कुछ और है, लेकिन भाव कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, और इसलिए ये परेशान होगा जरूर, अपने में कंट्रडिक्शन में होगा, विरोध में होगा, दुखी होगा, दुख पूर्वक ही ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो हमको इसको आराम देने की जरूरत है, तो आपको उसके ऊपर दया आएगी। अभी आपके अंदर उसके प्रति विरोध आता है कि नहीं? अच्छा तो अपने में देखना जरूरी है कि मेरा सहज स्वीकार्यता कुछ और है, संस्कार के कारण भाव कुछ और बना हुआ है, इसलिए व्यवहार भी हमारा अन्यथा हो जाता है, जबकि चाहते तो हम संबंध पूर्वक जीना ही है। ऐसा हमारे साथ है, ऐसा दूसरे के साथ। और जब हम अरा भाव विरोध का होता है तो हम दुखी रहते हैं। ये दूसरा भी जो विरोध का भाव रख रहा है, विरोध से व्यक्त हो रहा है, वो दुखी है, इतना पक्का है। तो फिर आपको उसके प्रति दया आएगी, न कि विरोध आएगा। ठीक बात है? हाँ भाई, ठीक है, धन्यवाद बढ़िया है, भाई। समय हो गया, इस पर काम जारी हाँ रखते हैं। भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, अच्छा धन्यवाद अवसर भाई। था आप सब लोगों से मिलना हुआ, कुछ लोगों के साथ संवाद भी हुआ, कुछ के साथ भी हो जाता है तो मैं मानता हूँ कि सबके साथ एक लेवल का संवाद तो हो ही गया। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 दिन हमारे साथ में इतनी सारी बातें शेयर की। सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, जी, सबको नमस्ते, नमस्ते, सबको नमस्ते, सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते।